आज फेसबुक लाइव से जुड़े हुए सभी हमारे साथी मित्र पार्टी के पदाधिकारी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विशेष तौर पे बिहार दिवस है, इसके लिए आप सभी को शुभकामना बधाई कि हम लोग इस अवसर पे आप लोगों के समक्ष आए हैं। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से चालू करें और कहाँ पे जाके ख़त्म करें, कि कहानी तो इतना बन चुका है कि शायद इस पर एक फिल्म बन सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बातें को आप लोग बीच में रखना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे बातें हैं कि मैं आपके बीच में नहीं रख सकता हूं, क्योंकि सरकार में हम हैं, एनडीए के गठबंधन में हैं, कुछ चीज़ें बंद कमरे में बात होता है और कुछ चीज़ बाहर निकलने जैसी चीज़ें होता है। तो लेकिन इशारा आप सबको समझना है, हर एक जगह पे आप लोगों ने हमें साथ दिया, आपके साथ और आपके सहयोग के दम पर आज हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन दूसरे लोगों के सहयोग से नहीं पहुँचे हैं, और वो लोग कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें। आज जो हमारे साथ जो हो रहा है, ये राजनीति नहीं हो रहा है, ये कूटनीति की जा रही है हमारे सहयोगी के तरफ से, कि वो देख रहे हैं कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और शायद आज हम 11 सीट पे इनसे समझौता करना पड़ रहा है, कल ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा, शायद 21 पे समझौता करना पड़ेगा, या 31 पे करना पड़ेगा, या 51 पे करना पड़ेगा, या 100 पे करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका डिमांड बढ़ेगा, और वो सामने वाले को ये हजम नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको समय समय पर ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो इस सारे चीज़ें से आपको घबराना नहीं है, हम सबको घबराना नहीं है, मजबूती से डट के सामना करना है। आप ही बताइए ना कि जो लोग सिर्फ 1.5 साल पहले 2020 में 11 सीट और एक MLC से ऑफर देकर आपको साथ लिया और आपके सामने में झुका, क्योंकि मैंने कई बार कह चुका है कि मैंने किसी के दरवाजे पे नहीं गया था, लोगों ने हमें बुलाया, वो आपको ताकत को देख के बुलाया। ये नहीं कि मुकेश सहनी शाहरुख खान दिखता है उनको अपने साथ ले आओ, नहीं, वो आपके ताकत को देखा और आपको वोट को देखा। जब 2019 में सिमरी बख्तियारपुर में हमने चुनाव लड़ा, अपने दम पर हमने 25,000-26,000 वोट लाया, तो उनका एहसास हुआ कि बिहार का निषाद जो है अति पिछड़ा का बेटा सनप मल्ला मुकेश सहनी के साथ है, और उसी के बदौलत आपको उन्होंने बुलाया। और आज क्या जरूरी है कि एक सीट उपचुनाव के लिए आपके साथ लड़ाई लड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी रणनीति है, तो उनकी रणनीति, वो अपनी रणनीति पे वो काम करें, हमें अपनी रणनीति के साथ काम करना है। साथियों, कई समस्या है, आपने देखा कि Day 1 से जब से हम लोग सरकार में आए तब से परेशान करने का कोशिश किया। आप सबको पता होगा कि सुगौली में हमने रामचंद्र सहनी जी को टिकट दिया, गृह मंत्री जी के कहने से सीट हमारा था, उसके बाद भी हमने उनके लोगों को एडजस्ट करने का कुछ काम किया। और चुनाव के बाद आपने देखा किस तरीके से उन्होंने हमारे पार्टी से उन्होंने उनको ले लिया, अपने पार्टी ज्वाइन करा लिया। तो कहीं ना कहीं उसी समय से वो हम लोगों को देखना चाह रहे हैं कि ये क्या करना चाहेंगे, कि जानबूझ के ऐसे कुछ गलती करे जिससे हमको फायदा हो। लेकिन हमने चुप रहा, हमने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में गया, वहाँ पे हमने मजबूती से हमने काम किया। और आपने देखा किस तरीके से वीरांगना पुलन देवी का उन्होंने अपमान किया, उसके बावजूद भी हमने जितना हो सका हमने किया, और फिर मैंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और लाखों लोगों ने साथ दिया और मजबूती से हमने काम किया, लेकिन लोगों को हजम नहीं हो रहा। और जो लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने मदद भी नहीं मांगा, मदद मांगते तो शायद हम सोचते क्या है करना है, लेकिन मदद नहीं मांगे। फिर हमने चुनाव लड़ा, वहाँ पे सिर्फ हम अकेले चुनाव नहीं लड़े, वहाँ पे JDU भी चुनाव लड़े, लेकिन आज उनके सामने नहीं बोल रहे हैं,
आपके सामने में बोल रहे हैं तो आपको कमज़ोर समझ रहे हैं, इसलिए आपके सामने बोल रहे हैं। तो यही सब चीज़ें को लेकर, और क्या मेरा वहाँ बोलना नाजायज है कि हमें आरक्षण चाहिए? और आरक्षण हम किससे मांगेंगे? क्या राहुल गांधी से मांगेंगे? जिनकी दिल्ली में सरकार है उन्हीं से मांगेंगे? उन्हीं से नाराज होंगे? उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश जी के बारे में बात करें? जिनकी सरकार है योगी जी के, उनके बारे में बात करेंगे? उन्होंने किस तरीके से निषाद को अपमान किया, किस तरीके से फूलन देवी को प्रतिमा पे एक माला तक चढ़ाने के लिए नहीं दिया? तो हम, और चुनाव के समय में तो होता है, आपको जब आप दोस्त नहीं हैं तो जाहिर सी बात है अपने एजेंडा, अपने मुद्दे को लेकर बात रखना है। अब उसके लिए अगर कोई लोग चाहेंगे परेशान करेंगे तो वो आपको और हमको निर्णय करना है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय ने कहा कि आप पाप किए हैं उत्तर प्रदेश में, उसका प्रायश्चित करने के लिए मुजफ्फरपुर बोझा आइए और बीजेपी को मदद कीजिए, यही समय है पाप का प्रायश्चित करने का। आप बताइए हमने क्या पाप किया? आरक्षण मांगना हम पाप है? तो मैं तो कल भी हमने कहा कि अगर ऐसे पाप अगर हजारों बार करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, आपको जो समझना समझ लो, और मजबूती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए साथियों, बहुत ऐसे चीज़ है, सरकार में है, काम कर रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन हम करेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम करेंगे। आज सरकार बना, दो विभाग देना था, एक विभाग उन्होंने दिया, एक विभाग पीडब्ल्यूडी या नगर विकास और देना था, वो आज तक नहीं दिए। और हमारे विधायक को हमारे प्रति भड़का रहा है कि आपके मंत्री नहीं बोल रहे हैं, नाम लिख के दे रहे हैं। अरे भैया, पहले विभाग हमको ट्रांसफ़र करो, फिर हम आपस में विधायक के साथ बैठेंगे और फिर हम निर्णय लेंगे कि किनको मंत्री बनाना है। आप हमारे पार्टी के किसी विधायक को मंत्री बनाने का आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, हम निर्णय लेंगे हमारे पार्टी में, और फिर हम लिख के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भेजेंगे और फिर वहां से अनुशंसा होगा कि कौन शपथ लेंगे। तो कहीं ना कहीं वीआईपी पार्टी है, आपके पार्टी में किनको मंत्री बनाए नहीं बनाए हमने पूछने के लिए गया? नहीं गया। तो आज हमारे पार्टी में तांग झांक क्यों? तो साथियों, बहुत सारा इशू है। आज हमने निर्णय लिया है कि मुजफ्फरपुर में चुनाव लड़ना है, बोछा में। अगर उनको बोछा सीट ही चाहिए, जब हमारे मुसाफिर पासवान जी को डेथ हुआ उसी समय में वो कहते हैं कि अमर पासवान को हम कहीं एडजस्ट कर देते हैं, ये सीट हमको दे दीजिए। आपने देखा कि चार महीना लगातार किस तरीके से हमें बेइज्जत किया गया, सांसद के द्वारा, उनके विधायक के द्वारा अनाप शनाप बोला गया, लेकिन हम चुप रहे हैं क्योंकि हमें पता था कि हमें चुनाव लड़ना है बोछा में, और फिर इस सब चीज़ों में नहीं उलझना है। हम सहन करते रहें और बेइज्जत करके हमारे घर में घुस गए, हमारे घर को कब्जा करना चाह रहे हैं। आप अपने मन से सूची जारी कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं इस बात के लिए हम नहीं हैं। और हमारी पहले भी आस्था अपने लोगों के प्रति रहा, आज भी है और आगे भी रहेगा। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कुर्सी के लिए नहीं आया हूँ, अपने समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए आया हूँ, और मुझे पता है कि मैं अधिकार दिला पाऊंगा, और इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे कल कुर्सी चला जाए मुझके उसका गम नहीं है। लोग कहते हैं एमएलसी आपको नहीं होगा, रिन्यूअल होगा, ना करे कोई फर्क नहीं गिरता है, संघर्ष करेंगे। आज संघर्ष करके चार बनाए हैं, कल 40 बनाएंगे। तो ये ताकत आपके पास है, लेकिन हम लोग लेट से समझे, हमारे लोग लेट से समझे, इसके कारण आज हम यहाँ हैं। लेकिन आने वाले समय में हम लोग विस्तार से काम करेंगे। आज हमारे दिल्ली में 10 से 15 लोगों को एडजस्टमेंट करने की बात हुआ था कि आयोग अगर सब में बिहार हो या दिल्ली में सरकार बनेगा एडजस्टमेंट करेंगे। आज 15 महीना हो गया, आज हमारे लोगों को हम एडजस्टमेंट कर सकते थे। आज बहुत सारे साथी हमसे इसकी वजह से नाराज भी हैं, लेकिन ये वादा उन्होंने करके आज कहीं ना कहीं मुकर रहे हैं। आज आपने देखा कि राज्यसभा कोटा से 12 एमएलसी होना था, उसमें एक भी एमएलसी वीआईपी पार्टी को नहीं दिया, अपने मन से सूची जारी कर दिए, हमने वहाँ चुप बैठा। आपने देखा कि किस तरीके से बिहार में 24 सीट के लिए एमएलसी के लिए चुनाव होना था,
आपने आके बिहार में बांट लिया, 12 बीजेपी लड़ेगा, 11 जेडीयू लड़ेगा और एक आपने पारस जी को आपने दे दिया जो आपके गठबंधन में कल तोड़ के उनको लाए हैं, एक भी उनके पास विधायक नहीं है, उनको आपने एक सीट दे दिया, लेकिन जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को आपने नहीं दिया जो आपके साथ इतना ईमानदारी से मजबूती से आपके सरकार बनाने के लिए काम किया। आज हम लोग निषाद हैं, स्वाभिमान के साथ चलते हैं, कभी किसी का साथ गद्दारी नहीं करते हैं, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि शायद उस रोज हम लालू जी की बात मान लेते तो शायद ये दिन नहीं होता, लेकिन हम लोग स्वाभिमानी हैं, हमें अभी भी भरोसा है कि हमने जो निर्णय लिया सही लिया, नहीं तो 4-4 मंत्री बनाने का ऑफर था, डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर था और भी बहुत सारे चीज़ें था, उसके बावजूद भी हमने ठुकरा दिया। 12 राज्यपाल कोटा से एमएलसी बनना था, उसमें 6 एमएलसी का ऑफर था, हमने ये सब चीज़ को ठुकराया और हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाया, हमने एनडीए को ऊपर भरोसा जताया, लेकिन आज एनडीए में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं, तो साथियों आपको इसी तरीके से परेशान करेगा, समय समय पर आपको अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ। आज मैं, मेरे लिए तो आसान था, कल हमारा प्रत्याशी भी हमें छोड़ के चला गया, अमर पासवान जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे लिए तो आसान था कि हम पीछे हट जाते, लेकिन नहीं, आज पीछे हटेंगे तो हमेशा पीछे हटाएंगे। आज़ादी के 75 साल से हमारे लोगों को हमेशा लोगों ने पीछे हटाते रहा, एक लोभ लालच देकर एक विधायक का टिकट, एक सांसद का टिकट देते रहा और हमारे लोग उनके पीछे घूमते रहे, लेकिन वो समय को बदलाव में बदलना है और इसलिए अभी हमें पीछे नहीं हटना है, अंजाम जो भी हो उसका परवाह नहीं करना, और जब आपका और मेरा साथ है तो फिर जनता डिसीजन लेंगे, हम बोछा के जनता के बीच में जाएंगे, कौन सही है कौन गलत है बोछा के जनता के पास अच्छा समझ है वो समझेंगे और एक एक लोगों के बीच में जाएंगे, हर जाति धर्म के बीच में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और मजबूती से पूरा भरोसा है कि हम ये चुनाव जीत के जाएंगे। और आपको पता है कि कितने अनुभवी प्रत्याशी को हमने उतारा है, रमे राम जी के सुपुत्री को हमने उतारा है और मजबूती से उनका अपना जनाधार भी है, लोग उनको पसंद करते हैं और आपको पता है कि बोछा विधानसभा में सबसे अधिक वोट निषाद का है, तो हम सभी को मजबूती से लड़ाई लड़ना है और फिर अंजाम का परवाह नहीं करना है, कल क्या होगा उसको बिल्कुल ही नहीं सोचना है, आज की ज़िंदगी को बेहतर जीना है और कल के लिए बेहतर भविष्य जो हो उसके लिए जीना है, कल हमारा नुकसान हो ना इसके लिए नहीं सोचना है, हमें नुकसान को फायदे में कैसे परिवर्तन होगा, हमारे आने वाला पीढ़ी कैसे बेहतर राजनीति कर सकता है, आपने देखा ना कि लालू जी ने बदला ना, बिहार में अपने लोगों के हक अधिकार उन्होंने दिलाया, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती ने बदला, काशीराम जी के बनाए हुए पार्टी आज उत्तर प्रदेश में दलित को भी आगे बढ़ाया, मुलायम सिंह ने किया, श्री रामविलास पासवान जी ने किया, तो क्या हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, हमें उस तरीके से मजबूती से लगना है, तो इसलिए साथियों कल 23 तारीख को मुजफ्फरपुर में हमारे प्रत्याशी का नामांकन है, इसमें मैं चाहूँगा कि पार्टी के तमाम पूरे बिहार से शुभचिंतक, हमारे उत्तर प्रदेश के भी साथी आज बिहार में आने के लिए तैयार हैं, वो सिर्फ कह रहे हैं कि मंत्री जी आप हमें आदेश कीजिए कब आना है, और एक दो की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश के साथी आएंगे और मजबूती से कल नामांकन करना है और उसके बाद आप सभी को मजबूती से काम करना है। हमने 7 जगह एमएलसी चुनाव में भी हमने प्रत्याशी को उतारा है और 2 जगह हमने समर्थन दिया है, यहाँ पे भी 4 तारीख को वोटिंग होना है, आप सभी साथी को इस चुनाव में मजबूती से लगना है, हर प्रखंड में जाना है, अपने लोगों को समझाना है, बताना है, एक एक चीज गूगल से निकाल कर मोबाइल के जरिए, फेसबुक के जरिए एक एक चीज को बताना है कि किस तरीके से लोग आपको परेशान कर रहा है, अपना वोट को अपने पार्टी के पक्ष में गिराना है ताकि आपका ताकत दिखेगा, और आज जब तक आप हराएंगे नहीं तब को उनको समझ में नहीं आएगा, आपने एक बार हराया सहरसा जिला में उपचुनाव में सिमरी बख्तियारपुर में और आपने देखा उसका क्या परिणाम हुआ और आपके सामने में झुका, आज फिर हम हराएंगे और फिर 2024 का समय आएगा और आपके सामने में झुकेंगे, और अभी तो हम एक अलग रणनीति के तहत हम अगले 15 अप्रैल के बाद हम आप मैदान में आएंगे, एक एक बूथ पर बिहार में हम लड़ाई लड़ेंगे और अकेले 40 लोकसभा सीट को तैयारी करेंगे और बगैर किसी परवाह का कि हमें आने वाले समय में गठबंधन करना है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस तरीके से हम काम करेंगे
कि हम लोकसभा में भी हम किसी के पीछे नहीं घूमेंगे कि आइए हमसे गठबंधन कीजिए। अगर उनकी आवश्यकता है तो आके हमसे गठबंधन करें, वरना हम किसी के पास गठबंधन करने की बात नहीं करेंगे। क्योंकि कह सकते हैं एक हिसाब से हम सरकार का पार्ट हैं एनडीए में, तो आज की तारीख में कह सकते कि हम नहीं हैं, लोगों ने हमें निकाल दिया है। अगर हमें एनडीए में होते तो हमें हिस्सा मिलता, चाहे वो राज्यपाल कोटा का सीट हो, चाहे वो एमएलसी का सीट हो, या ये बोछा का सीट हो। आपने देखा बिहार में दो उपचुनाव हुआ, हमने कितना मजबूती से तारापुर में जाके हमने अपने गठबंधन सहयोगी के लिए काम किया, किस तरीके से कुशेश्वर स्थान में हमने अपने खर्चे से संसाधन से हम लोगों ने मदद किया। हमने किसी प्रत्याशी के पीछे हमने घूमने का काम नहीं किया कि प्रत्याशी हमारे गाड़ी में तेल भरेगा तब हमारे लोग काम करेंगे। आप सभी साथी को पता है, मुंगेर जिला अध्यक्ष हो या दरभंगा के जिला अध्यक्ष हो, अपने संसाधन से हम लोगों ने प्रत्याशी के लिए काम किया। क्यों किया? क्योंकि हम गठबंधन में थे। आज लोगों ने हमें गठबंधन से सारे हक अधिकार ले रहा है, तो कह सकते कि वो लोगों ने आपको निकाल चुका है। तो आपको अभी देखना है कि किस तरीके से राजनीति करना है। आज हम सरकार के पार्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार चल रही है उसमें हम मजबूती से हैं। वहाँ पे भी थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो दिक्कतें को हम लोग समय रहते हुए सही करेंगे, काम कराएंगे और काम होगा। एक से एक योजना अभी बन रहा है और एक से एक योजना हमारे बिहार में मछुआरा भाई के लिए, पशुपालक भाई के लिए हम लोग लगाएंगे और उस रास्ते पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी मजबूती से हमारे पास 18-20 महीने का समय है लोकसभा तैयारी करने का। लेकिन आज सबसे पहले जरूरी है कि बोछा में जो आपका मान सम्मान अधिकार की जो लड़ाई है, लोग लड़ते हैं हम पे राज करने के लिए। हम जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ अपने अधिकार पाने के लिए, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए साथियों, बहुत सारे साथी आप लोगों के सहयोग से आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मजबूती से पार्टी के साथ रहें और आने वाले समय में हम ये लड़ाई को जीते और एक विधायक बना के लाएं और सामने वाले को सोचने पे मजबूर कर दें। मैं तो देख रहा था कि हजारों लाखों की संख्या में आज भाई सब हमारे साथ हैं, जुड़े हैं और सबको हमने फेसबुक पे हमने रीड किया। हर एक निषाद का बेटा जंग लड़ने के लिए तैयार है, तो इसलिए आप सभी आइए मजबूती से। और मुजफ्फरपुर तो जिला आज बिहार की राजधानी है निषाद का, और एक एक निषाद का बेटा वो जागरूक है, वीर अमर शहीद जुब्बा सहनी की धरती है। और हमें पूरा भरोसा है कि आप लोगों का मजबूती ताकत से हम लोग वहाँ चुनाव जीत के आएंगे। कुछ साथी को कुछ कारण हमसे नाराजगी होगा, है भी, मैं उस सब साथी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए आप साथ दीजिए। हमारे घर में लड़ाई होंगे, हम 10 दिन आपसे बात नहीं करेंगे या आप हमसे 1 महीना बात नहीं करेंगे, लेकिन हम तो एक ही हैं। आज आप भले हमारे साथ हैं या नहीं हैं, लेकिन लड़ाई तो हम आपके लिए लड़ रहे हैं। आज आप हम इतने बेहतर जो जगह पे हम पहुंचे हैं, एमएलसी हैं, मंत्री हैं, सब चीज़ है हमारी वजूद को। आज आप आज से 2014 से पहले निषाद समाज को कितने जगह पे जाता होगा, लेकिन आज हमारा पूरे बिहार में से भी बेहतर गौरव हम लोग पाए। तो इसलिए साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग साथ में हैं। कुछ साथी जाने अनजाने में गलत फहमी कुछ भी हुआ होगा, जीतने का काम करें, वहां पे ज्यादा से ज्यादा शक्ति दिखाने का काम करें। क्योंकि वो एमएलसी चुनाव में आपको भी पता है, हमें भी पता है कि धन बल की बहुत उपयोग किया जाता है, लेकिन हम लोग गरीब समाज से हैं, अपने पार्टी के पदाधिकारी को लड़ाए हैं, वहाँ पे अपनी वोट को गिनती कराने का समय है। अल्लाह उससे पहले अभी कल नामांकन है, तो ज्यादा से ज्यादा साथी पूरे बिहार में, खास करके मुजफ्फरपुर जिला के अगल बगल में, वैशाली हो, समस्तीपुर हो, बेगूसराय हो, शिवहर हो, सीतामढ़ी हो या मधुबनी हो, मोतिहारी हो, गोपालगंज हो, तभी सभी साथी विशेष तौर पर आप लोग कल नामांकन में आइए 11:30 बजे और पहले नामांकन कीजिए, उसके बाद अपना 7 सीट पर मजबूती से लड़िए, अंजाम का परवाह नहीं कीजिए। और जो 12 तारीख को जो वोटिंग होना है अप्रैल में बोछा के लिए, हम मजबूती से हम बहुत अच्छा निर्णय प्रदर्शन करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे, जनता हमारे साथ।